आज हम बात करेंगे एक पेशेंट की जिसने के एक पर्टिकुलर यंग हेयरलाइन चुनी। केस स्टडी का ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, नई दिल्ली से, डॉक्टर एज क्लिनिक। तो आज के पेशेंट का हम नाम रखेंगे सुनील। तो सुनील जी हमारे पास आए थे करीबन 2005 से 2007 के बीच में। आप इनका पहला फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एज ऑलमोस्ट 45 या 40 का लग रहा है, जो कि इनका असली एज नहीं है। अब यही एज जो ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से ही तो लोग करते हैं कि वापस हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, बाल आएं, ताकि लोग अंकल जी ने कहें। और वाकई में इन्होंने जब यहाँ देखिए, बिफोर वाली पिक्चर्स में दोनों साइड से, सामने से, ऊपर से, तो जब कभी जाते थे स्कूल में, और इनके अपने ही वर्ड्स थे, तो लोग इनको अंकल जी कहते थे। तो इनका बहुत एम था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो एक तो मेरा डेंस और घना और नेचुरल तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे को लुक भी यंग चाहिए। अगर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी एजेड सा हेयरलाइन हो, बूढ़े आदमी का हेयरलाइन हो, तो पसंद नहीं। तो वही मैंने इनके लिए किया। इस केस में हमने 5000 से ज़्यादा ग्राफ्ट लगाए, और हेयरलाइन अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल इनके आईब्रो के पैरेलल होते हुए और काफ़ी अच्छी डेंसिटी के साथ हमने बनाई। इसी का आप इनका कभी चाहें तो बात भी कर सकते हैं। ये पेशेंट रेडी हैं दो बाकी लोगों से बात करने के लिए। तो यहाँ आपका इनके आफ्टर की पिक्चर में और कंपैरिजन वाली पिक्चर में अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपका हेयर लॉस इनकी जैसा है तो करीबन 5000 या 5300 ग्राफ्ट में आपका लुक कैसा आएगा। इवन जैसे इन्होंने कॉम्ब बैक हेयर किया हुआ है तो उसका भी लुक, क्यों कॉम्ब बैक सबसे ज़रूरी इम्तिहान होता है एक अच्छे ट्रांसप्लांट का, यानी बाल कॉम्ब पीछे भी किए हुए हैं और फिर भी बिल्कुल नेचुरल लुक है, देखने वाला कोई बता नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट किया है, और लाइफ लॉन्ग ये बाल उगते रहते हैं। शुक्रिया।